स्वदेश वाणी। बोकारो रेलवे स्टेशन से जख्मी हालत में एक व्यक्ति को लावारिस हालत में बरामद किया गया है, जिसे राजकीय रेल पुलिस ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। जीआरपी के सूत्रों ने बताया कि स्टेशन पर जख्मी हालत में दर्द से कराहते हुए प्लेटफॉर्म के बाहर पड़ा हुआ था, जिसे रेलवे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहाँ चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल बोकारो रेफर कर दिया है। जीआरपी के मुताबिक जख्मी शख्स की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन इसे देखने से पता चलता है कि इसे गंभीर चोटें आई हैं। जख्मी व्यक्ति फिलहाल खतरे से बाहर बताया जा रहा है और जीआरपी मामले की जांच कर रही है। कोरोना को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने आपको क्या निर्देश दिया है? पेशेंट को डिस्टेंस में रखने के लिए बोले हैं और बिना मास्क का अलाउ नहीं करने के लिए बोले कोई भी पब्लिक। क्या आपको लगता है, आपकी बातों को लोग ध्यान में रख रहे हैं? ध्यान में रख रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनको ये सब चीज़ अच्छी नहीं लगती है, फिर उनको समझाते हैं कि इससे क्या क्या आपको नुकसान हो सकता है, पर्सनली आपको क्या नुकसान होगा उसको समझिए, आपके चलते और पब्लिक को भी परेशानी हो सकती है। क्या नाम है आपका? धनंजय तिवारी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।